नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। सत्र 2024-25 में शिक्षक संकुल वाला जो प्रेरणा ऐप का वर्जन है उसमें उनके जो ऐप है उसमें या तो शिक्षक संकुल का ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से वे जो मासिक बैठक है उसका DCF अपलोड नहीं कर पाएंगे, या उनके सामने दूसरी समस्या आ रही है और शिक्षक संकुल वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो रजिस्टर वाले ऑप्शन में जब हम इस पर क्लिक करते हैं और अटेंडेंस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो रजिस्टर वाला जो है स्टूडेंट रजिस्टर में लास्ट ईयर के बच्चों की संख्या शो हो रही है। इस सब समस्या का क्या समाधान है वही हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आपके जो प्रेरणा ऐप है उसमें बच्चों की संख्या लास्ट ईयर की शो हो रही है तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको अपनी ऐप को अनइंस्टॉल कर देना है। अपनी ऐप को क्या करना है, अनइंस्टॉल करना है। अनइंस्टॉल करने के बाद में आपको इसे दोबारा से इंस्टॉल करके लॉगिन करना है तो आपको करंट ईयर के बच्चे शो होने लगेंगे इसी रजिस्टर में, सारा डाटा करंट ईयर का शो होने लगेगा। लेकिन जैसे ही आप इसे अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करेंगे तो आपका जो शिक्षक संकुल वाला ऑप्शन है वो गायब हो जाएगा। उसके लिए फिर आपको करना क्या है, आपको अपना EHMRS कोड, आपकी कक्षा जो भी आपको अलॉट है, उसके अलावा आपका सब्जेक्ट और आपका मोबाइल नंबर जिससे भी आप प्रेरणा ऐप पर रजिस्टर्ड हैं, ये चारों चीज़ें आप अपने BRC ऑफिस पर BO लॉगिन से आपके मोबाइल नंबर को एज ए शिक्षक संकुल असाइन करा लें तो आपका जो ये ऐप है वो शिक्षक संकुल वाला ऑप्शन भी शो होने लगेगा। उसके बाद आपको फिर एक बार इस प्रेरणा ऐप को अनइंस्टॉल करना है, फिर इंस्टॉल करना है, तब ये आपका जो ऑप्शन है ये शो होएगा। तो आपको चार चीज़ें बतानी हैं। नंबर एक, EHRMS कोड, दूसरा मोबाइल नंबर, तीसरा सब्जेक्ट, चौथा क्लास जो अलॉट है। ये चारों चीज़ें आपको अपने BO ऑफिस में बतानी है, उन्हीं की ID से आपका जो नंबर है वो एज ए शिक्षक संकुल असाइन हो जाएगा और आप असाइन होने के बाद में ऐप को दोबारा से अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करेंगे तो आपका ये शिक्षक संकुल वाला ऑप्शन भी दिखाई देने लगेगा। इस तरह से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।